हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार सैनी डिजिटल पहल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम एमएस वर्ड में हेडर और फुटर के बारे में सीखेंगे और किस प्रकार से हेडर और फुटर को यूज किया जाता है, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। इसके बाद में इंसर्ट मेनू में जाना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हेडर, फुटर और पेज नंबर। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर वहाँ पर यूज किए जाते हैं जहाँ पर यदि हम कोई बुक प्रिंट करना चाह रहे हैं या फिर हम कोई बहुत सारे पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं जिनमें यदि हम कोई स्पेसिफाइड वर्ड या ऐसी लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं जो पूरे पेजों में ऑटोमेटिक आती जाए, तो इसी के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सिंपली हमको यहाँ पर डबल क्लिक करना है या फिर हमको इंसर्ट में और हेडर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हेडर आ जाएगा। हेडर में यहाँ पर बहुत सारे पहले से इनबिल्ट किए हुए बहुत सारे हेडर दिए हुए हैं, तो इनमें से हम कोई सा भी हेडर चूज कर लेते हैं। जैसे मैं ये वाला हेडर चूज करता हूँ। यहाँ पर हमको सिंपली जो भी वर्ड प्रत्येक पेज में टाइप करवाना है उसको हम लिख सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर एक एमएस ऑफिस की एक बुक प्रिंट कर रहा हूँ जिसमें एमएस वर्ड टॉपिक हमारा चल रहा है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इसके बाद में सिंपली हमको क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करना है या फिर हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में हमारा हेडर तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स, यदि अब हमको यही हेडर दूसरे पेजेस में भी देखना है तो हम और पेज इंसर्ट करवा के देखते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। तो जिस प्रकार से दोस्तों आपने देखा दूसरे पेज में भी हेडर यहाँ पर बिना टाइप किए हुए अपने आप आ चुका है, यदि हम तीसरा पेज टाइप करके देखते हैं तो यहाँ पर भी अपने आप आ चुका है। इसी प्रकार से यदि हम कितने भी पेजेस यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे तो सब में ऑटोमेटिक हेडर आता जाएगा। जिस प्रकार से हम हेडर यूज करते हैं ठीक उसी प्रकार से फुटर का भी यूज होता है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, हेडर पेज के सबसे ऊपर की तरफ लगाया जाता है और फुटर पेज के सबसे नीचे की तरफ लगाया जाता है। जैसे हम इस पेज में सबसे नीचे की तरफ फुटर लगाना चाहते हैं तो हमको सिंपली इंसर्ट में जाकर और फुटर, बहुत सारे इसमें पहले से इनबिल्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से यदि हम कोई सा भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक पेज नंबर आते जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन टाइप करा सकते हैं जो हम पूरे पेजेस में शो करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डिजिटल पहल टाइप करता हूँ। फ्रेंड्स, यदि हम इनकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं या फिर इनको डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से डिजाइन भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कोई भी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं, यदि हम कोई क्लिप आर्ट लेना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम हेडर को टॉप में से कितना हम नीचे की तरफ खिसकाना चाहते हैं या फिर कितना हम ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं तो यहाँ से कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। यदि फुटर को हम नीचे से कितना गैप देना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं और उसके बाद में हम क्लोज हेडर एंड फुटर। इसके बाद में फ्रेंड्स यदि हम देखेंगे तो सब में हेडर और फुटर लग चुका है। यहाँ पर ऑटोमेटिक पेज नंबर 2 आ चुका है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ठीक इसी प्रकार एक ऑप्शन है हमारा पेज नंबर का, तो सिंपली यदि हम सभी पेजों में केवल पेज नंबर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर पेज नंबर लेंगे। तो पेज नंबर में भी यहाँ पर पहले से इनबिल्ट बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यदि आप लेफ्ट हैंड साइड रखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड रख सकते हैं, यदि आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में, यदि राइट हैंड साइड रखना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो
इन्हें सेलेक्ट करने पर केवल इस प्रकार से पेज नंबर इंसर्ट होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हेडर और फुटर बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, इनका आप एक बार यूज करके देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आ जाएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ में आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ तो उनको देखकर आप कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और बगल में बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी प्रत्येक नई नई वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपको वीडियो के बारे में यदि कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।